बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए SOC 401 इसका क्विज नंबर 1 की वीडियो तैयार की है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं है। मैं इसके आगे आप लोगों के शॉर्ट लेक्चर्स भी इंशाल्लाह इसके भी वीडियो बनाऊंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिड टर्म आने वाले हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर डिटेल कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। अभी मेरी MCM के ऊपर वीडियोज चल रही हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। बस थोड़ी सी एडिट करने वाली रह गई, वो भी वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही स्टूडेंट्स के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, विदाउट टाइम वेस्टिंग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला आप लोगों का MCQ जो उनसे इसके अंदर दिया हुआ है, कहते हैं फंक्शनलिज्म फोकस ऑन, फंक्शनलिज्म किसके ऊपर होता है जी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल कल्चर्स विच वर्क ऑफ द वेल बींग ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। पहला हो गया जी ये, बाकी तीन पार्ट्स आप चेक कर लें, यही था। सेकंड के अंदर क्या कह रहा है, फहीम इज अ रिसर्चर हु इज एक्सपीरियंसिंग टू लिव एंड डील विद द सर्कमस्टांसेस कंप्लीटली डिफरेंस टू हिज ऑन सराउंडिंग ही इज फेसिंग। तो इसका जो सा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या जी, कल्चरल शॉक। चेक करें, मैंने यहाँ प्रॉपर कोशिश की है कि आपको करेक्ट आंसर दूँ। ठीक है जी, कल्चरल शॉक इसका आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड मैन आर सपोज टू गो आउटसाइड फ्रॉम द होम एंड अर्निंग पर्पज ऑफ द वुमेन आर कंसिडरेबली। तो ये पूरे के अंदर क्या कह रहे हैं जी, कि ज़्यादातर आप लोग चेक करते हैं कि मर्दों का क्या काम होता है कि वो बाहर जाते हैं, और औरतों का क्या काम होता है कि वो घर में रह के बच्चे संभालती हैं। तो ये कौन सी काइंड प्रैक्टिस की है? तो इसका जो सा करेक्ट ऑप्शन है वो है जेंडर रूल्स। ठीक है जी, और अगला जो सा क्वेश्चन नंबर 3-4, इन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी अ रिसर्चर मेथड दैट रिलाइज ऑन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद पीपल ऑन एनी एवरीडे बेसिस इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इंडिजिनस कल्चर इज कॉल्ड। कौन सा है जी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। अगला जी, क्राइम इंक्रीजेज एज अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसके अंदर हाइपोथेसिस है, जल्दी बना रहा हूँ वीडियो ताकि टाइम कम होता है ना बच्चों का। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नाउन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जी, पार्ट 4 इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक यूनिवर्सल, कौन सा जी, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके जी, अगला है द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक कल्चर थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ द मटीरियल रिमेन इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी, इसका इम्पोर्ट बेस्ट ऑप्शन है। अगला जी, क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ स्टडी फोकसेस ऑन द रिमोट लोकेशन, कौन सा है जी, फील्ड वर्क फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, जलील इज एन अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी हु फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट रिसर्चेस एंड एडवाइजरी टू इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशन। ये एम्प्लॉय था, इसने क्या करना था डेवलपमेंट के ऊपर, इसने क्या एडवाइस देनी थी कि हम किस तरह कंडीशन इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये कौन सी टाइप है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज फंक्शन, तो पॉलिसी रिसर्चर। ये आपके यहाँ 10 पूरे हो गए, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो भी बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह वीडियोज़ के अंदर मिलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो जी। अल्लाह हाफिज़।